क्या 11वीं बार अधूरा रह जाएगा 10 की ब्यूटी सुष्मिता सेन का प्यार? क्या सुष और रोहमन के प्यार भरे रिश्ते में आ गई है दरार? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर मिस्टर शॉल छाप रहे हैं अपने दर्द दिल का इश्तेहार? सुनो सुनो सुनो, मिस चिंचैक की अगली खबर धमाकेदार, क्योंकि मुश्किल में फंस गया है सुष्मिता सेन और उनके मॉडल बॉयफ्रेंड का नया नया प्यार। यूं तो सुष्मिता को अपनी लाइफ में कई बार लग चुका है प्रेम रोग, लेकिन अफसोस हर बार सुष्मिता खा जाती है प्यार में धोखा। कई बार इश्क लड़ा चुकी सुष्मिता को अभी तक नहीं मिल पाया है रियल लाइफ में दुल्हनिया बनने का मौका। आप देखिए ना, दो बेटियों की मम्मी सुष्मिता सेन पिछले 10 महीनों से अपनी उम्र से काफी छोटे फैशन मॉडल रोहमन शॉल के इश्क में हैं गिरफ्तार। रोहमन और सुष्मैडम कई बार खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के लिए कर चुके हैं अपनी फीलिंग्स का इजहार। हाल ही में हुई सुष्मिता के राजा भैया राजीव की शादी में भी रोहमन बने थे खास हिस्सा, जहाँ सुष्मैडम ने पूरी महफिल के सामने डांस के जरिए सुनाया था रोहमन और अपने इश्क का किस्सा। ये नजारा देख सबको लग रहा था कि राजीव के बाद अब सुष्मिता का घर भी जल्द ही बस जाएगा, रोहमन और सुष्मिता का प्यार भी शादी के बंधन में बंध जाएगा। लेकिन 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 सुष की इस लव स्टोरी में आ गया है ब्रेकअप वाला ट्विस्ट। जैसा कि तेज तरार मिस ढिंचैक पहले ही खुलासा कर चुकी है कि इस वक्त सुष और रोहमन की लाइफ बुरे दौर से गुजर रही है, और अब मिस ढिंचैक की इस खबर पर रोहमन ने भी कंफर्मेशन की मोहर लगा दी है। अकॉर्डिंग टू मिस ढिंचैक, पिछले 2 दिनों से रोहमन एक के बाद एक सस्पिशियस मैसेजेस अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं और सुष के साथ अपने झगड़े के हिंट्स दे रहे हैं। रोहमन के ये पोस्ट देख साफ लगाया जा सकता है अंदाजा कि मिस सेन ने बंद कर दिया है रोहमन से बातचीत का भी दरवाजा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पोस्ट के जरिए रोहमन ने सुष्मिता के पास भेजा है ये पैगाम कि अभी भी वो अपने रिश्ते को देना चाहते हैं एक और चांस। वैसे आपको बता दें कि मिस ढिंचैक पहले ही दे चुकी हैं सुष और उनके 11वें प्यार रोहमन के बीच हुए जबरदस्त झगड़े की न्यूज, जब रोहमन को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर सुष्मैडम ने उड़ा दिया था मिस्टर शॉल का फ्यूज। हालांकि उस झगड़े के बाद भी सुष ने रोहमन को दिया था एक और मौका, जिसके बाद ही रोहमन सुष की फैमिली के साथ शादी अटेंड करने पहुंचे थे गोवा। लेकिन लगता है कि गोवा से लौटने के बाद सुष और रोहमन के बीच दोबारा कुछ ऐसा हुआ है, जिसके बाद से ही सुष ने रोहमन को अपनी लाइफ में नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है।